में दिखाई जाने वाली गन्स रियल लाइफ में कैसे दिखती है, इनकी इंडिया में क्या प्राइस होती है, पबजी में दिखाया जाने वाला पैन क्या सच में मिलिट्री में यूज किया जाता है, पबजी गेम किस मूवी की कहानी पर बनाया गया था। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज पबजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बारिश होने वाली है जो शायद ही आपको पता हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप एक रियल पबजी फैन हो तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप में से ज्यादातर लोगों ने पबजी गेम जरूर खेला होगा या फिर इसके बारे में जरूर सुना होगा। प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड के नाम से मशहूर पबजी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वीडियो गेम है। 2017 में लॉन्च हुआ यह गेम देखते ही देखते भारत समेत दुनिया भर में प्रचलित हुआ। यह भारत में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले गेम में से एक है। पबजी के पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यह भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले एंड्रॉयड गेम्स में तीसरे स्थान पर है। यहाँ तक कि एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक प्रश्न का उत्तर देते वक्त इस गेम का जिक्र किया था। ये पबजी वाला है क्या? पबजी भारत में ही एक दिन लगभग $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए रोज कमाता है। यह गेम सन 2000 में आई जापानीज फिल्म बैटल रॉयल मूवी की कहानी पर बनाया गया है। यह गेम शुरुआत से ही दुनिया भर में पॉपुलर होने लगा। इस गेम का कुछ हिस्सा चाइनीज कंपनी टेंसेंट के पास होने की वजह से इसके ग्लोबल वर्जन को भारत में सितंबर 2020 में बैन कर दिया था, लेकिन बाद में एक साल का ब्रेक लेकर जून 2021 में पबजी की पैरेंट कंपनी क्राफ्टन ने इसके इंडियन वर्जन को लॉन्च किया और इसी से पबजी की बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से फिर से एंट्री हुई। हाल ही में इस गेम का न्यू स्टेट वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। पबजी खेलते वक्त आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि पबजी में दिखाई जाने वाली गन्स क्या सच में होती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। पबजी में दिखाई जाने वाली ज्यादातर गन्स दुनिया भर के मिलिट्रीज और आर्म फोर्स द्वारा यूज की जाती है। पबजी में कुल 9 प्रकार की गन्स दिखाई गई है, तो हम इन सभी गन्स के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे, जैसे इन्हें कब, कहां और कैसे यूज किया जाता है, इनकी इंडिया में प्राइस क्या होती है एक्सेट्रा। पबजी में दिखाई जाने वाली पहली गन्स का प्रकार होता है AR यानी असॉल्ट राइफल। असॉल्ट राइफल में खास बात यह होती है कि यह 30 से 40 गोलियां बिना रिलोडिंग के चलाता है। असॉल्ट राइफल में सबसे फेमस गन होती है AKM, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेट कालाश्निकोवा मॉडर्नी जोरवानाई, जो कि काफ़ी मुश्किल है प्रोनाउंसिंग में। चूंकि यह गन 1947 में इन्वेंट हुई थी, तो इसे कई बार AK-47 भी कहा जाता है। यह गन लगभग 30 से 40 बुलेट्स बिना रिलोडिंग के होल्ड कर सकती है और इसका वजन 3.5 किलो तक हो सकता है। इसे भारत समेत दुनिया के बहुत से देशों में यूज किया जाता है। इसकी भारत में कीमत लगभग 80,000 से 1,00,000 तक होती है और इसे कोई भी सामान्य नागरिक नहीं खरीद सकता। असॉल्ट राइफल में दूसरी फेमस गन है M416। ये मेरी सबसे फेवरेट गन है और ये भी AKM की तरह ही होती है। इसे असल जिंदगी में M416 नहीं बल्कि HK416 कहा जाता है, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी का नाम हेकलर एंड कोच है। यह भी AKM की तरह 3.5 किलो की हो सकती है और इसे ज़्यादातर अमेरिकन आर्मी द्वारा यूज़ किया जाता है। स्कारियल भी एक बहुत फेमस राइफल है और इसे भी ज़्यादातर US कमांडो के द्वारा यूज़ किया जाता है। इस गन को 2004 में पहली बार यचन हर्स्टल कंपनी ने बनाया था। पबजी में और भी असॉल्ट राइफल से इनका रियल लाइफ व्यू आप देख लीजिए, जैसे M16A4, ग्रोजा, AUG, QBZ, M762, MK47, G36C और FAMAS। पबजी में दूसरा सबसे फेमस गन का प्रकार है स्नाइपर राइफल। ये बहुत लोगों की फेवरेट गन है क्योंकि इसके एक शॉट से ही दुश्मन ढाई हो जाता है। स्नाइपर गन में सबसे फेमस गन है कार 98 के। ये मेरी सबसे फेवरेट गन है क्योंकि इस गन के एक या तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे शॉट में ही दुश्मन की टायर टाइफिस हो जाती है। लेकिन कई बार हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या सच में इस गन का एक शॉट से विक्टिम मर सकता है? तो कार 98 के की एक बुलेट ही कितनी बड़ी होती है ये आप देख लीजिए। इस गन को 1935 में नाजियों द्वारा पहली बार World War II में यूज किया गया था। इस गन में 7.92x57mm की 5 गोलियां लोड की जाती है और इस गन का वजन 5 किलो तक होता है। इस गन की प्राइस 5,00,000 तक होती है। स्नाइपर गन में दूसरी फेमस गन है AWM।
इसका फुल फॉर्म है आर्कटिक वॉरफेयर मैग्नम। इस गन का वजन लगभग 7 किलो तक होता है और इसे 1996 में यूके में बनाया गया था और इन्हें इराक अफगानिस्तान वॉर में यूज किया गया था। इसे यूरोप और एशिया की कई सारी आर्मीज में यूज किया जाता है। स्नाइपर गन्स में और भी कई सारे फेमस गन्स हैं, जैसे M24, Win-94 और मोसिन नागांट। पबजी में तीसरा गन टाइप है DMR, यानी डिजाइनेटेड मार्क्समैन राइफल। इस राइफल में जो फेमस गन है वो है VSS। ये गन आप में से बहुत लोगों ने यूज की होगी। इसके 2 या 3 शॉट में एनिमी किल होता है। इसे 1980 में इन्वेंट किया गया था और इसे भारत समेत कई सारे देशों में यूज किया जाता है। DMR जो बाकी गन्स होती है वो है SKS, मिनी 14, MK14, SLR, QBU, MK12। अब गन का वो प्रकार जो बहुत से लोगों का फेवरेट है वो है SMG गन, यानी सब मशीन गन। यह गन 20-30 बुलेट्स में एनिमी को अफेक्ट करती है। इनमें सबसे फेमस गन है UZI गन। यह गन पिस्टल की तरह दिखती है। इस गन को यूजेल गेल ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसे UZI कहा जाता है। इसे 1950 से लेकर 2010 तक कई सारे वॉर्स में यूज किया गया था। इसे ज़्यादातर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में यूज किया जाता है। सब मशीन गन्स में दूसरी फेमस गन है वेक्टर गन। इस गन को अमेरिकन कंपनी क्रिस ने 2006 में बनाया था। इस गन की इंडिया में प्राइस है लगभग $1519, यानी कि ये गन लगभग 1,15,000 तक होती है। 3 किलो की ये गन ज़्यादातर बांग्लादेश आर्मी और थाई आर्मी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सब मशीन गन्स में और भी गन होती है, जैसे UMP-45, थॉम्सन SMG, बिजॉन, MP5K, P-19 एक्सेट्रा। इसके अलावा पबजी में और भी गन्स यूज़ की जाती है, लेकिन इनके बारे में जानकारी हम इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे, जिसमें हम आपकी फेवरेट शॉटगन, LMG गन, पबजी में दिखाई जाने वाली पिस्टल्स का रियल लाइफ व्यू और कुछ जानकारी देखेंगे। साथ ही साथ पबजी में दिखाई जाने वाले पैन का सच में मिलिट्री में यूज़ किया जाता है, पबजी के ग्रेनाइड और दूसरे टूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ पबजी में दिखाई जाने वाले स्कोप्स कैसे दिखते हैं और इनकी कीमत। इसके अलावा पबजी के और भी अनोखे फैक्ट्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, और ये मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो में दिखाई गई कौन सी गन आपकी फेवरेट है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।